ऐसे बहुत सारे सवाल हमें पूछे जाते हैं कि अगर बच्चे के गले की चारों तरफ कॉर्ड है या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया कि कॉर्ड अराउंड द नेक बेबी के, तो ऐसे में क्या सी सेक्शन ही करना होता है, क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? इससे रिलेटेड बहुत सारे भ्रम हैं। मैं डिटेल में समझाऊंगी कि कॉर्ड अराउंड नेक की क्या कंडीशंस होती हैं और ऐसे में डिलीवरी कैसे सेफ तरीके से हो सकती है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यूट्यूब मॉम चैनल पर प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर, पोस्टमार्टम केयर एंड न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन हम आपको शेयर करते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गर्भाशय के अंदर शिशु जब विकसित होता है तो उसके न्यूट्रिशन का सोर्स होता है गर्भनाल, जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, गर्भाशय में रोपित होता है और माँ से न्यूट्रिशन बच्चे तक ट्रांसफर करने का काम करता है। डेवलपमेंट के फेजेस में शिशु गर्भ में मूवमेंट करता है और मूवमेंट के दौरान गर्भनाल, जो कि रस्सी की जैसी संरचना है, कई बार बच्चे के गले में लिपट जाती है। कई बार ये सिंगल लूप होता है, कई बार ये डबल लूप होता है, कई बार इससे भी ज्यादा लूप होते हैं। लेकिन क्या ऐसे में केवल सी सेक्शन से ही डिलीवरी हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है? पर नॉर्मल हो सकती है तो क्या लक्षण होंगे और अगर सी सेक्शन की कंडीशन है तो उसके क्या लक्षण होंगे, ये सब कुछ हम अभी जानेंगे। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर में जब आप कलर डॉपलर करवाते हैं, जिसमें बच्चे का पूरा विकसित शिशु आपको पता चलता है, उस समय भी दिखाई पड़ता है कि बच्चे के गले के आसपास कॉर्ड है या नहीं है, न्यूकल कॉर्ड लूप कोई है या नहीं है। अगर इसमें आता है सिंगल, डबल और मल्टीपल, तो ऐसे में कई चीजें हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉर्ड का सिंगल लूप होता है, तो सिंगल लूप कई बार बहुत सरल होता है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऐसे फीडबैक दिए हैं कि सिंगल लूप में बिल्कुल सरलता से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है और इसको बिल्कुल हवा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा है कि डबल लूप होती है, डबल लूप में भी कंडीशंस वेरी करती हैं, कई तरीके की कंडीशंस होती हैं कि नॉट किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि अगर जब दो लूप है तो उसमें क्रॉस गांठ जैसी संरचना बन जाती है और जिससे बच्चे का गला कस सकता है। अब ऐसा बात है कि अगर डबल लूप है या डबल से ज़्यादा लूप है तो ऐसे केसेस में क्या लक्षण ऑब्जर्व करने हैं कि डिलीवरी को समझा जा सके। नंबर वन, अगर गर्भनाल लंबी है, लूप होने के बावजूद भी गर्भनाल लंबी है और बच्चा नीचे खिसक रहा है, एंगेज हो रहा है, पेल्विस में एंटर कर रहा है और डिलीवरी के लिए सारे कंडीशंस फेवरेबल बन रही है कि आपको लेबर पेन आ रहा है, बच्चे का सिर एंगेज हो रहा है, तो पॉसिबल है नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन शर्त यह है कि बच्चा स्वतः नीचे आ पा रहा है। कई बार ऐसी कंडीशन में बच्चा ब्रीच कंडीशन में होता है या फिर बच्चा काफी कमजोर है, बच्चे का हार्ट रेट FHR कम जा रहा है लेबर के फेजेस में, तो ऐसे में तुरंत सी सेक्शन करके बच्चे को सुरक्षित बचाना और डिलीवरी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि डबल या मल्टीपल लूप्स में बच्चा पूरा बंध जाता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी का समय आता है उस दौरान बच्चा कई बार उस लूप से मूवमेंट करते करते निकल भी जाता है, लूप्स निकल जाते हैं और ऐसे में बिल्कुल आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इस चीज़ को डिलीवरी के क्लोज टाइम तक मॉनिटर करना पड़ता है कि क्या बच्चे के गले में लूप की कंडीशंस वैसी ही हैं जैसे पहले थी या बदल चुकी हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन। लेकिन अगर गर्भनाल छोटी है, बच्चे के गले में डबल या ट्रिपल या मल्टीपल लूप्स हैं, तो ऐसे में बच्चे के नीचे आने की संभावनाएं कम होती हैं, ऐसे में लेबर पेन नहीं आता महिला को, लेबर पेन बिल्कुल नहीं आता, डिलीवरी की डेट पास हो जाती है फिर भी कोई सिम्टम नहीं होते हैं डिलीवरी के, बस जॉइंट्स में रिलैक्सेशन और शरीर में दर्द कुछ इस तरीके से होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता क्योंकि वो प्रेशर ही नहीं पड़ता है सर्विक्स पर। तो ऐसे में डायलेशन ना होने पर सी सेक्शन करके बच्चे की FHR गिर रही होती है तो उसको जल्दी से डिलीवर कराना होता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तो आपके साथ क्या कंडीशन है उसको आप कंपेयर करके अपनी डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते हैं। लक्ष्य एक है कि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे, डिलीवरी सेफ होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।